हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए हमने इसका पार्ट वन आपको पहले दिखाया था और उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे देखें। आज हम आपको पार्ट टू में ईश्वर को कैसे प्रसन्न करें इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ सबसे बड़ा धन है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल चौटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमने आपको बताना है ईश्वर को खुश करने के तरीके, कि ईश्वर को खुश कैसे किया जा सकता है। पहला पार्ट तो आपने देखा और उसके पहले आपने ये देखा कि ईश्वर होते हैं क्या, और ईश्वर है क्या, ईश्वर है और ईश्वर है तो वो कैसे हैं, क्या हैं, उनको किसने बनाया है। ये हम आपको 2-3 एपिसोड जो पहले बताए हैं उसमें आपको बताया है, और हम आपको उसका जो लिंक है इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लें। अब पहले पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमने ये बताया है कि ईश्वर को खुश करने के तरीके क्या हैं, और उसमें हमने ये बताया था आपको कि देश के नियमों का पालन करना, यानी कोरोना महामारी में देश के नियमों का पालन करना भी एक ईश्वर के नियमों का पालन करना है। इसके अलावा जो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जब इंसान जन्म लेकर आता है तो अपने को मां की गोद में पाता है। मां एक ममता की मूर्ति है, एक अनुभूति है, एक एहसास है, और वो चंद्रमा की तरह शीतल है। तभी हम उसको ज्योतिष में चंद्रमा के सदृश मान लेते हैं। चंद्रमा मां नहीं है हमारी, चंद्रमा के सदृश मान लेते हैं, लेकिन हम चंद्रमा को ही मां मानकर उसकी पूजा कर देते हैं हिंदू धर्म में। तो शीतलता देती है मां, एक अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, अनेक कष्ट जूझती है, खुद रात को ना सोकर बच्चों को सलाती है। तो यानी मां ही एक इंसान की सबसे प्रथम गुरु होती है। तो मां का सेवा भाव करना और उनकी सेवा करना बुढ़ापे में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये ईश्वर के नियमों में एक है। ऐसे पिता के बारे में बताया था कि पिता एक सूर्य की तरह प्रतीक है जो रोशनी देता है, जो थोड़ा सा तेज तो होता है लेकिन यदि बुझ जाए, यदि अस्त हो जाता है जैसे, तो अंधकार में आदमी चला जाता है, परिवार पूरा। तो पिता सूर्य तो नहीं है लेकिन सूर्य प्रतीक बताया है। तो अब हमारे हिंदू धर्म में तो सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया हमें पूजा वास्तव में उसकी करनी चाहिए, वही ईश्वर होता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि रचना कभी भी रचयिता से बड़ी नहीं होती है, और रचना कभी अपनी रचयिता का स्थान नहीं ले सकती है। तो आज हम फिर देश की बात की थी हमने कि कोरोना महामारी फैल रही है, तो आज कल लॉकडाउन चल रहा है, देश के नियमों का पालन करना है। हम अपनी इच्छा से तो पैदा हो नहीं रहे, जो इलाका हमें मिलता है, जो गांव मिलता है, फिर उसके ऊपर शहर होता है, शहर के ऊपर स्टेट होती है, राज्य होता है, राज्य के ऊपर फिर एक कंट्री होती है। हम अपने, और ये बड़ी एक हैरत वाली बात है कि हम अपनी इच्छा से तो आई नहीं इस इलाकों में आते। कोई ऐसी सत्ता तो है, कोई शक्ति तो है, ये तो साइंस भी मानती है कि इंसान के आने से पहले सब कुछ ये बन चुका था। तो यही ईश्वर है। अब हम बात करेंगे कि ईश्वर को प्रसन्न करने के और क्या तरीके हैं। ये पार्ट टू है हमारा, ये तो हमने बता दिया था आपको और आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यानी अब इसको आगे ले जाते हैं। अब उसके बाद जब इंसान अपना होश संभालता है तो उसको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और ये ईश्वर के नियमों में भी नियम है कि अपने स्वास्थ्य का इंसान ध्यान रखे। अब अच्छा स्वास्थ्य कहते किसे, इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं, शारीरिक के रूप में, मानसिक के रूप में, बौद्धिक के रूप में, सामाजिक के रूप में और आध्यात्मिक के रूप में। संक्षेप में हम 2 बातों पर बात करते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य वो होता है जिसमें मन हमारा खुश रहे, मन की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भावना भरी पड़ी है तो हमारा मन खुश नहीं रह सकता कभी, और ना ही स्वस्थ रह सकता है। इसके अलावा कोई हमारे को मानसिक परेशानी है, सामाजिक कोई परेशानी है, और हमारा कोई मन जो है उलझनों में पड़ा हुआ है, तो भी हमारा मन शांत नहीं रह सकता। इसके अलावा हमारा चिंता मुक्त मन ही हमारा खुश रह सकता है, और तब हमारे शरीर की आत्मा, मन और शरीर तीनों एक सीध में हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी खुश रहता है। यानी विद्वानों ने तो बताया है और वेदों में भी लिखा है कि यदि हमारा शारीरिक रोग कोई ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे मन की अवस्था, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है,
मानसिक अवस्था का इलाज करो, शारीरिक अवस्था कई रोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। यानी एक बेड फॉर रेमेडी आती है, उसमें यदि शरीर मन और आत्मा हमारे तीनों, ये मानती है तीनों चीज एक सीध में हो तो हमारे को कभी रोग नहीं हो सकता। यदि हमारा शरीर मन कुछ और सोच रहा है, आत्मा का संस्कार कुछ और है और शरीर कुछ और करता है तो ही हमें रोगों की उत्पत्ति होती है। यानी हमें स्वास्थ्य के नियम का पालन करना है और इस स्वास्थ्य के नियम में ही हमारा सबसे बड़ा एक राज छुपा है। यदि हम अपना स्वस्थ होंगे तभी हम अपने बाकी फर्ज अदा कर सकेंगे, अपने माँ बाप की सेवा कर सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें मन और शरीर दोनों को ही स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये पैदा उठता है कि मन और शरीर दोनों स्वस्थ क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ी के पहियों के समान है, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता है। यदि स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मन होगा और स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ शरीर होगा। तो ये शरीर तथा मन दोनों ही स्वस्थ होने बहुत जरूरी है और ये तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब अच्छी दिनचर्या का पालन करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में अच्छी दिनचर्या का पालन लिखा हुआ है कि दिनचर्या आप कैसे बताएं, एक एक चीज हमें बताई गई है। सबसे पहले ये बताया गया है कि प्रातःकाल हमें कितने बजे उठना चाहिए। उन्होंने तो ये बताया है ऋषि मुनियों ने कि प्रातःकाल हमें सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठने से प्राण वायु का संचार बिल्कुल सही रहता है और जो हमारे उससे उठने से शरीर में केमिकल, यानी जो केमिकल उत्सर्जन होता है शरीर के द्वारा, उससे हमारा पूरा दिन बिल्कुल खुशनुमा रहता है और मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आज जब सूर्य उदय हो जाता है तो पित्त की वृद्धि हो जाती है, हम तब उठते हैं और तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार जैसे हम बोलते हैं कि सुबह लेट उठने से हमारे को सारा दिन हमारा खराब गया, तो हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करनी चाहिए कि शुरू से ही बच्चे को आदत अपनाएं। माता पिता ही आदत देते हैं बच्चों को, माता पिता ही बच्चों को आदत दें कि सूर्य उदय होने से पहले उठें। यदि हमें उषापान करना चाहिए, उषापान यानी जल पीना चाहिए। अब इसमें ये जल हमें कैसा पीना चाहिए, हमें गर्म पीना चाहिए कि ठंडा पीना चाहिए, हम आपको ये बता दें कि ऋतुओं के अनुसार इसमें आपको परिवर्तन करना चाहिए। वैसे हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको गर्म पानी पीने के फायदे बताए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। हमने उसमें ये बताया था कि सुबह उठते सार ही आप एक लीटर गर्म पानी रुक रुक के पिए और इससे आपके जो पेट में अफारा नहीं होगा, अध्यमान नहीं होगा, आपकी कब्जी नहीं रहेगी, बवासीर नहीं रहेगा, बहुत अन्य रोग, आंखों में भी रोशनी ठीक आएगी और आपके बाल सफेद नहीं होंगे। ये और विषैले तत्व ये हमारे शरीर से बाहर निकालती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है और इससे यूरिन ठीक आता है। कोई उससे इसके साथ बहुत चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन आपको इसको देखने के लिए आपको हम इसमें लिंक दे देंगे, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख लीजिए। तो हमें ये, मैं ये ऋतुओं की बात कर रहा था कि जैसे सर्दियों में है तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, गर्मियों में भी वैसे कोशिश करें गर्म पानी पीने का, गुनगुने पानी का। यदि बहुत ही ज्यादा गर्मी है और आपको पानी पीना है ठंडा तो आपको मटके वाला पीना चाहिए, फ्रिज वाला कभी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा आप उस पानी को, ठंडे पानी को मुंह में तब तक घुमाते रहें, गंडूस करें जिस तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, तब उसको आप शरीर के अंदर ले जाएं। इससे आपको बहुत ही भारी अच्छा फायदा होगा, यानी विषैलीकरण तत्व जो शरीर के अंदर है उससे वह बाहर आते हैं। पानी पीने के बाद हमें शौच आदि अवस्थाओं के लिए जाना चाहिए। इसके बाद यदि पेट साफ होता है तो हमारे शरीर में ये एक स्फूर्ति आ जाती है जिससे हमारा पूरा दिन सही जाता है। अब मान लो किसी को कब्ज है, कब्ज की शिकायत है, उसका पेट साफ नहीं होता, तो कहते हैं कि पेट और पड़ोसी ठीक ना हो तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो सारा दिन मलेजिया यानी सुस्ती में रहता है उसका। जब कहते हैं कि इतनी पेट में गैस निकलती है यदि कब्जी हो तो वो हमारे हड्डियों तक, दांतों की हड्डियों तक गला सकती है, वो गला देती है। तो इसलिए हमें कब्जी का ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी चीजें लेनी चाहिए रात को सोते वक्त यदि हमारे को कब्ज है, कब्ज का बिल्कुल समुचित उपचार करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमें व्यायाम वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। यंग आदमी है तो उनको तो एक्सरसाइज करें और जो बुजुर्ग आदमी है वो टहल लें। और उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि फिर नहाना है, नहाने के लिए हमें व्यायाम करने के बाद शवासन पर बैठना चाहिए ताकि हमारा शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा, जो व्यायाम से गर्मी होती है जिससे पसीना आता है और विषैले तत्व हमारे बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा शवासन करने के बाद उसके बाद हमें आराम से नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लेकिन स्नान करने से पहले एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है कि हमें मालिश जरूर करनी चाहिए,
हमें तेल के या तिल की तेल की सरसों के तेल की मालिश शुरू करनी चाहिए। इस मालिश करने से आपने ये भी देखा है कि पुराने बुजुर्ग नहाते वक्त तेल की मालिश करते थे, और तब जो आज की डेट में हम एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं वो अपने आप ही हो जाया करती थी, और उसको कम से कम आधा घंटा पुराने बुजुर्ग लगाते थे और मालिश करते थे और उसके बाद स्नान करते थे। तो हमें ये एक प्रक्रिया दोबारा अपने शरीर में, यानी आज के डेट में जैसे कोरोना महामारी तेज गति से फैल रही है, तो हमें लगातार अपने अभ्यंग जरूर करना चाहिए, मालिश जरूर करनी चाहिए नहाने से पहले, ताकि हमारे जो शरीर में सफुर्ती आए, ताजगी आए और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, रोमकूप हमारे छिद्र जो है वो खुल जाते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं शरीर के लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आजकल तो कहते हैं कि इम्यूनिटी पासपोर्ट बनेगा, तभी आप वीजा जैसे लेते थे, इम्यूनिटी पासपोर्ट मिलेगा जब तक कोरोना फैल रहा है, आप फौरन जाने के लिए पासपोर्ट में आपको स्टैंप लगेगी, ये देखेंगे कि इंसान का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी स्ट्रांग है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और ये जरूरी है करना। स्नान करने से पहले और मालिश करने से पहले हमें दंत धावन और जीवन लेखन जरूर करना चाहिए। हमें दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और जीवा को भी साफ करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि प्राय जो इंसान होते हैं वो सिर्फ एक पेस्ट लेके और फटाफट अपना करते हैं, खाना पूरी करते हैं कि ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई, ऐसा ना करें। उसको प्रॉपर ढंग से ब्रश को ऊपर नीचे करें और बार बार कुछ न कुछ बदलते रहें। और जैसे कि हम पहले जमाने में कीकर की दातुन करते थे, नीम की दातुन करते थे, अखरोट की दातुन करते थे, हमारे दांत मजबूत रहते थे, और जब मजबूत रहेंगे तो हमारे को ताजगी बनी रहेगी, और जब ताजगी बनेगी तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। मान लो आप किसी दिन बिना ब्रश किए आप रहें तो आपको एक घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी जो शरीर में है वो ताजगी खत्म हो जाती है, क्योंकि सीधा मन से इसका संबंध है। और जब हमारा पेट, और पेट इसके लिए जरूर साफ करें और साफ रखें, यानी कब्ज बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि जो हमारे जो खाते पीते हैं, पेट की जो हमारी गैस है वो ऊपर को जाती है, एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह पैदा करती है। तो हमें जरूरी है कि दंत धावन जरूर करें और जीवन लेखन साफ करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे को अपने मुख को धोना भी चाहिए। अब इसमें आप सबसे बढ़िया, हम बहुत पहले पुराने बुजुर्ग करते थे, त्रिफला का पानी ले लेते हैं एक चम्मच और एक गिलास में रात को भिगो के रख दें, सुबह उसको कपड़ छान करके चुन्नी के चूर्ण से उसको निकालें और उस पानी से आप अपनी आंखों को धोएं। जब आप उस पानी से अपनी आंखों को धोएंगे तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, और उसमें क्या होगा कि जो आपकी ऑयली स्किन है, वो स्निग्धता वाली स्किन है, वो भी नहीं रहेगी, और झुर्रियां भी समाप्त होंगी, और कभी काले तिल और मस्से जो बनने वाले हैं वो बाद में जो बनते हैं, जन्म के बाद नहीं, जो जन्म अनुसार नहीं होते, जो बाद में बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छी करनी चाहिए। और पुराने जमाने में तो हमारे को माए बच्चों को अंजन डाला करती थी, आजकल चलो अंजन तो हम नहीं डालते हैं, लेकिन एक त्रिफला के पानी से ही धो लें तो यही बहुत है। और इससे पहले हमारे को आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में ये बताया गया है कि हमें नस्य जरूर करना चाहिए। नस्य का मतलब है कि हमारे नाक, कान और मुंह में, ये यही रोगों के रोग यहीं से ज्यादा फैलते हैं, तो हमारे को इनको नस्य करना चाहिए, यानी सरसों का तेल गर्म करके, ठंडा करके हमारे नाक में डालना चाहिए। और यदि आपको कफ बढ़ा हुआ है तो सुबह सुबह, पित्त बढ़ा हुआ है तो दोपहर को, और वात बढ़ा हुआ है तो रात को आपको तिल का तेल या ये जो सरसों का तेल है ये नाक में दो बूंदे डालनी चाहिए। लेकिन आज का समय इतना तेजी का समय है कि हम बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं करते और हमारा सब कुछ खुश रहता है, तभी हमारे को साइनसाइटिस वगैरह समस्याएं ये रहती हैं, और आधे सिर में दर्द होना, फिर चिंता जब ग्रस्त होते हैं हम तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन जब यदि स्निग्ध अवस्था, इसको स्निग्ध अवस्था बोलते हैं, जब हम अपने नाक को, कान को, मुंह को स्निग्ध करेंगे तो हमें ये रोग बिल्कुल नहीं होंगे। ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं, और इसका डायग्नोस किसी डॉक्टर के पास नहीं होता कि आपका सिर भारी है, वो सीधा बोल देगा आपको सेनेसिटिस है, आपको बलगम भरी पड़ी है, जाइए आप अपना काम कीजिए, एक नेजल ड्रॉप दे देगा, उसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो हमें ये नेचुरल चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा एक और है, शौर कर्म हमें लगातार करना चाहिए। अब शौर कर्म हम किसे कहते हैं? अष्टांग हृदय में जो लिखा था शौर कर्म, इसमें क्या है कि अपने दाढ़ी मूछ के बाल लगातार काटते रहें, अपनी साफ सफाई रखें, नाखून अपने काटते रहें, और इसके अलावा छोटी छोटी चीजें अपनी शरीर की सफाई का ध्यान रखें। और सफाई का ध्यान रखोगे तो आपकी जो, अब नाखून काटने से क्या होगा कि स्किन, आपकी जो त्वचा है वो निखरेगी, और इसमें एक प्रसन्नता का अनुभव होगा अपने आप, आपको शरीर में लघुता आती है, और उत्सव, एक नया संचार होता है शरीर में जब आप साफ सफाई रखोगे। तो ये चीजें हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा नहाने से पहले अष्टांग हृदय में तो ये भी लिखा है कि उबटन हमें लगाना चाहिए। हमें उबटन कम से कम आज के टाइम में, आज का उबटन एक हफ्ते, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो लगाना चाहिए। जैसे हल्दी का उबटन है, हल्दी का उबटन हम शादी से पहले लगाते हैं, यदि वो लगा दिया जाए तो क्या है कि हमारे जो रोम
छिद्र होते हैं, उनके अंदर दिन भर हम धूप में रहते हैं, धूल में रहते हैं, मैल जमा हो जाती है तो वो निकल जाती है, और हमारी जो त्वचा है वो मुलायम होती है, कांति में होती है और अच्छी रहेगी। ये अच्छी चीजें हैं, यही चीजें बाद में पहुंच जाती हैं और हमें रोगों का रूप धारण कर लेती हैं, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब यही है कि हमारी दिनचर्या अष्टांग हृदय में पहले ही निश्चित कर रखी है, ये ईश्वर ने ही बताई है, लेकिन महान आत्मा को धरती पर लगाकर कुछ ना कुछ ज्ञान हमें जरूर दिया है कि इंसान को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। पशु दिन रात सोता है, अब पशु के समान तो हम है नहीं कि हम दिन रात सोए रहें, हम अपना काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यदि हम पशुओं की तरह दिन रात सोएं, खाएं, पिएं, उठे बैठें और बच्चे पैदा करें कि यही जिंदगी हमारी है, नहीं। इंसानों की जब एक कहते हैं ना क्रिएशन, सुपर क्रिएशन ऑफ द क्रिएशन है ये, हम इंसानों की रचना एक सुपर क्रिएटर है, यानी क्रिएटर ने, सर्वोच्च शक्ति ने, ईश्वर ने सबसे अच्छी और उत्कृष्ट रचना बनाई और उसको नाम दिया अपना इंसान। तो ये जो इंसान है सुपर क्रिएटर है, इसको सुपर क्रिएटर क्यों कहा गया है? देखो इस जगत में, सृष्टि में, जगत में खैर 84 लाख योनियां हैं, सभी को बुद्धि तत्व दिया है, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी एक इंसान बनाया ईश्वर ने, उस शक्ति ने, सुप्रीम पावर ने, जिसको हम अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राधा स्वामी, निरंकार आदि नामों से कहते हैं, उन्होंने इंसान को बनाया और उनमें एक विशेष बुद्धि तत्व दिया, और विशेष बुद्धि तत्व दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। जब सोचने समझने की शक्ति दी तो अपने नियमों का पालन शक्ति चाहती है कि वो इंसान करे और उसे जाने माने प्यार करे। हर जानवर से तो नहीं चाहती वो कि वो मुझसे प्यार करे, इतना उनको बुद्धि तत्व तो नहीं दिया, लेकिन इंसान को इतना बुद्धि तत्व दिया है, इसलिए हमें दिनचर्या जैसे नियमों का पालन करना ये जरूरी है, और ये हमारे नियमों में शामिल है कि जब हम दिनचर्या सही ढंग से यूज करेंगे तो हमारा मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, और हम समाज में, यानी सामाजिक, समाज इंसानों से ही बना है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता हुआ, आस्तिक होता हुआ, उनके जो द्वारा नियम है उन्हीं नियमों का पालन करना है, क्योंकि इंसान ही है जो एक कर्मफल भोगता है, कर्मफल भोगने के लिए ही धरती पर आता है, क्योंकि उसको बुद्धि तत्व ईश्वर ने दिया है। जैसा हम अच्छा बिहेव करते हैं, नेक कर्म करते हैं, सदव्यवहार करते हैं, अपने नियमों में ईश्वर के पालन करते हैं, उसी तरह का हमारे को फल मिलता है, कुछ प्रारब्ध रूप में और कुछ इस तेज जो कर्म होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ तेज कर्म अभी अभी मिल जाता है, जैसे किसी ने किसी को मुक्का मारा तो उसी को तुरंत फल मिल जाता है, लेकिन एक कर्म होते हैं जैसे किसी के साथ विश्वासघात करना, जैसे विश्वासघात हम कोर्ट में झूठी गवाही दे देते हैं, जब हम झूठी गवाही देते हैं तो उसका फल हो सकता है हमें इस जन्म में मिले, हो सकता है उसके फलस्वरूप अगले जन्म में मिले, हो सकता है हम अगले जन्म में विकलांग बनकर आए। तो ये जरूरी है समझना कि जो ईश्वर के नियम क्या है और हमें पालना क्यों जरूर करनी है और हमें दिनचर्या का पालन क्यों करना है। हम यदि स्नान करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर आप अच्छे कर्म, अपने कर्म अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। अब ये एपिसोड तो बहुत लंबा हो गया है, 20-22 मिनट का हो गया है, तो अभी तो स्नान भी करना है हमने इस एपिसोड में, तो अभी भोजन भी उसके बाद करना है कि भोजन के नियम क्या ईश्वर ने हमें बताए हैं, तो ये बहुत लंबा होता जा रहा है। और जैसे मैंने अभी एक आपको बताया कि विश्वासघात, ये भी एक अपराध होते हैं, एक किस्म के अपराध होते हैं जो इंसान करता है, जो क्षम्य अपराध कहलाते हैं, एक होता है अक्षम्य अपराध, जिसको क्षमा नहीं करता ईश्वर, तो वो भी हम बताएंगे आपको इस अगले एपिसोडों में, लेकिन ये एपिसोड बहुत लंबा होता जा रहा है, अभी यही एपिसोड समाप्त करते हैं। अभी हम स्नान के बारे में भी समाप्त करते हैं, हम बात करेंगे स्नान की, हमें स्नान क्यों करना चाहिए। देखिए हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में लाखों रोम छिद्र होते हैं, जो हमारे दिन भर काम करने से हमारे उसमें मल जमा हो जाता है, मैल जमा हो जाती है, और उन छिद्रों को भी ऑक्सीजन चाहिए और साथ में पोषण चाहिए, तो स्नान करना हमारा जरूरी है। स्नान करने से जब हम उसमें पानी बहता है तो वो छिद्र साफ होते हैं, साफ होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगी और पोषण भी मिलता है उनको, तो इससे हमारी जो स्किन है वो कांति में रहती है, त्वचा कोमल रहती है, तो इसलिए स्नान करना हमारे को बहुत जरूरी है। अब अष्टांग हृदय में तो स्नान दो प्रकार का कहा गया है, एक आंतरिक शुद्धि, एक बाहरी शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में हम जो स्नान करते हैं वो तो शंख प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, सूत्र नेति, जल नेति, इनके द्वारा हम शरीर में करते हैं, तो ये हमें करनी चाहिए जहां तक हो सकते हैं। जो लोग करते हैं वो रोज करते हैं, और जिन्होंने सीखनी है वो योगा वाले से जाकर अच्छे क्लास लेके ये सीख सकते हैं। अब भारी शुद्धि,
भारत शुद्धि में स्नान आता है। स्नान में अष्टांगड्डी में तो ये लिखा है कि अब उपटन कर जरूर करें, जैसे मैंने बताया आपने तेल मालिश सुनी भी अभ्यंग करें भी तेल मालिश करके उपटन जरूर लगाएं। उपटन वो क्या लगाते थे पहले, जैसे हल्दी का लगा सकते हैं, औषधि का लगा सकते हैं, मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का लगाते हैं, त्रिफला का लगाते हैं, नीम का लगाते हैं, तो वो उपटन कर उससे स्नान हमें जरूर करना चाहिए। अब स्नान हमें किस पानी से करना चाहिए, ये हमें ठंडे पानी से करना चाहिए कि गर्म पानी से करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। हमें स्नान कोशिश हो सके, संभव हो सके तो ठंडे पानी से ही करना चाहिए, और हमें ठंडा पानी डायरेक्ट सिर पर नहीं डालना चाहिए कभी भी। और यदि जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं और जिनकी प्रकृति बिल्कुल शीत है, वो गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन वो भी गर्म, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, मध्यम गर्म होना चाहिए। और ठंडे पानी से हम आपको बताते हैं, जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन पहले कम हो जाती है, उसके बाद वो तेज होती है, जो कि लाभदायक है। लेकिन गर्म पानी स्नान करने से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम उत्तेजित हो जाती है, बाद में मत पड़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रोगियों को और वृद्ध अवस्था में ये आप जैसे चाहे आप अपनी प्रकृति को देख के कर सकते हैं। स्नान करने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, स्नान करने से हमारे को हमारे तनाव कम होता है, हमारी बॉडी में स्फूर्ति आती है, आनंद हमारे को प्रतीत होता है, इसके अलावा रक्त पित्त के रोग हमें दूर होते हैं, और मूर्छा, हिस्टीरिया, उन्माद, ये मिर्गी वगैरह ये भी दूर होती हैं स्नान करने से। इसके अलावा स्नान करने से खारिश, जलन ये भी दूर होती हैं। तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए, और हमें यथे हो गया कई व्यक्ति तो दिन में दो बार स्नान करते हैं, लेकिन हमें एक बार सुबह उठते दिनचर्या में स्नान की विधि बताई है। गर्मियों में तो आप दो बार भी स्नान कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी प्रकृति है आप उस हिसाब से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, हमें भूख भी बहुत अच्छी लगती है, हमें तनाव नहीं रहता, और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर बनता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं ये सब चीजें। अब ये चीजें हमें, मैं आपको ये बता रहा हूं और आप ये बोलेंगे ईश्वर को खुश कैसे करें, इसमें इसका क्या रोल है। कभी कभी हैरत होती है कि इंसान की दिनचर्या का ईश्वर की खुशी से क्या लाभ है। इसमें ये बहुत बड़ा लाभ है कि ईश्वर ने ये सभी नियम जो अपनी एक रचना बनाई है, इंसान को बनाया है, 84 लाख योनियों में एक योनि, इंसान की योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया है ईश्वर ने, और ईश्वर चाहते हैं उनसे कि इंसान उसको जाने माने प्यार करे। जब जाने माने प्यार करे तो वो कैसे प्यार करे, तो अपने नियमों में रहकर प्यार करे, तो अपने नियमों का पालन करे वो, जैसा ईश्वर उनसे चाहते हैं। ईश्वर ने वक्त पे समय समय पर महान आत्माओं को धरती पर भेजा और उनको उनके द्वारा अष्टांग हृदय वगैरह, आयुर्वेद वगैरह और भी चीजों में ज्ञान दिया, और हमें ये सब ज्ञान दिया, बताया कि हमें इंसान को क्या करना है, जीने के लिए क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। जब इंसान खुद स्वस्थ होगा, यदि ये तो नहीं है कि इंसान एक पशु की तरह खाए पिए सो जाए, बच्चे पैदा करे और चला जाए, यानी हमारा इंसान का जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले तो जैसे उद्देश्य जो है, यदि जो ईश्वर ने निर्धारित किए हैं उन्हीं का पालन करते हुए वो ईश्वर को खुश कर सकता है। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया तो कृपा करके कर लें। धन्यवाद।